भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल दिवंगत नेता कल्याण सिंह को क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पूर्व MLC एवं वरिष्ठ BJP नेता विनोद पांडे, BJP के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए पूर्व MLC विनोद पांडे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वे ऐसे नेता थे जिनसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। जितना प्रेरक उनका व्यक्तित्व था उतना प्रेरक उनका उद्बोधन था। इसी प्रेरणा के साथ उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा देने का काम किया था। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा, आप बीच में मत आइए। माननीय कल्याण सिंह गरीबों के मसीहा जी रहे हैं और बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का अक्षत युवा है। उनके निधन से उन्हें हो गया है और यहाँ पर महानगर के तरफ से शोक सभा एक मिनट के नहीं राज्यपाल राजस्थान हम लोगों के सर्वमान्य नेता कल्याण सिंह का पूरा जीवन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के दल को आगे बढ़ा। मैं इसी विश्वास के साथ आज के उनके शीर चरणों में श्रद्धा सुमन। हम सब एक ऐसे महान विभूति के श्रद्धांजलि में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे राजस्थान के। स्वर्गीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। माननीय कल्याण सिंह जी हमारे पार्टी के ऐसे नेता थे जिनसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने प्रेरणा लेकर के और अपना राजनीतिक जीवन अपनी यात्रा आरंभ की। और आरंभ से ही जितना प्रेरक उनका व्यक्तित्व था, जितना प्रेरक उनका उद्बोधन था और जैसी प्रेरणा के साथ उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश अपित हिंदुस्तान की राजनीति को माननीय कल्याण सिंह जी ने और विशेष करके राम जन्मभूमि मंदिर के समय जब वो घटना हुई थी ढांचे के संदर्भ में, तब माननीय कल्याण सिंह जी ने जब ये कहा था एक नहीं 100 जन्म हमें लेना पड़े तो भी मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, राम मंदिर के प्रति हमारी वो आस्था। ऐसा प्रेरक पुरुष जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जिनकी बहुत कुछ प्रेरणा हम लोगों के लिए अपने जीवन में काम आई है, आज के इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और सभी कार्यकर्ता उस प्रेरणा पुरुष से निश्चित रूप से सीखेंगे और आगे अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करेंगे।